महोदय, मैं अपने बोलने से पहले अपने दल के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये सामान्य चर्चा में, बजट के सामान्य चर्चा में मुझे बोलने का प्रथम अवसर दिया है। शहर से ही मैं गांव का किसान हूं, गांव में पैदा लिया, गांव में पला, गांव में बढ़ा, किसी तरह से राजनीति के धारा में चलते चलते यहां तक मैं पहुंच गया। लेकिन जब कभी मैं खड़ा होता हूं तो मेरी नजर वहीं रहती है। चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि हुकुमचंद, भारत का प्रधानमंत्री हूं लेकिन दिन में एक बार मेरी नजर अपने गांव में चली जाती है, वही कच्ची दीवार, फूस का छप्पर, वही कच्चा कुआं, वही गाय, वही भैंस, वही बकरी, वही ज्वार, वही बाजरा। तो जो जहां से पैदा लेके आता है, जिस संस्कार में पलता है, आप तो संस्कृत के भी विद्वान हैं अध्यक्ष जी, मनुष्य सब कुछ भूल जाएगा लेकिन जिस संस्कार में पला है या बढ़ा है वो कभी भूल नहीं सकता है। तो मैं तो उसी संस्कार में पला हूं, बढ़ा हूं। मैंने गोबर देखा, मैंने बकरी की गिनती की, मैंने भैंस की गिनती की। अब संजोग से लोकसभा में आया हूं तो वो आंकड़े की गिनती करनी पड़ती है, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। अब मेरे जैसा आदमी उसमें उलझ जाता है कि बकरी गिनू कि भैंस गिनू कि डिफिसिट गिनू। यहाँ आके डेफिसिट गिनू, वहां बाद में गिनू। और हम तो केवल वही खोजते हैं, जैसे युद्ध के बाद सीता माता के साथ युद्ध जीतने के बाद, लंका विजय के बाद, जब बानर भालू के बीच में मणि की माला वितरित की जा रही थी तो वो सब दाने को तोड़ तोड़ के बंदर देख रहे थे, सब हंस पड़े बड़े लोग कि आखिर बंदर बंदर तो है, ये माले क्यों तोड़ रहा है। पूछा कि तुम इस दाने को क्यों तोड़ रहे हो, तो कहा मैं इस हर दाने में सीता राम की मूर्ति देखना चाहता हूं और जिस दाने में सीता राम की मूर्ति नहीं हो मेरे लिए निरर्थक है। तो मैं तो बजट के हर पन्ना को पढ़ता हूं तो देखता हूं उसमें किसान कहां है, इसमें मजदूर कहां है, इसमें गांव कहां है, इसमें हमारे गाय भैंस के चारा दाना का कुछ है कि नहीं है, इसमें मेरे गांव की जो गरीब औरतें हैं जो खेत में काम करती हैं, पसीना बहाती हैं, मिट्टी पानी में सड़ती हैं, उनके शरीर से बदबू निकलता है, जीवन में कभी एक बार भी उनको लक्स और कौन रक्सोना साबुन, कौन ये लिपस्टिक पाउडर, ये छूने का देखने का अवसर नहीं मिलता है। क्या उसकी दुनिया को इन्होंने देखा था, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। अब तो बड़ी बड़ी बात करते हो, आगे दिन पीछे गए, गुरु से किया न हे तब पछतावा होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय गांव को देखना था, किसान को देखना था, मजदूर को देखना था, गरीब को देखना था, पिछड़ा को देखना था, दलित को देखना था, गांव की सड़कों को देखना था, गलियों को देखना था, कुआं को देखना था, आपने देखा क्या? आप तो देखते रहे कहीं, ये दो हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान आपने बनाया, एक है भारत, एक है इंडिया, दैट इज कॉल्ड हिंदुस्तान, आपने बनाया ना। मैं आज भी कहता हूं अगर मेरे गांव के किसी को उठावे, आंख में पट्टी बांध दे, हिंदुस्तान के कहीं भी, उड़ीसा हो, बंगाल हो, कहीं हो, किसान को लावे, गांव में आंख पर पट्टी बांध दे और एक बार इंडिया गेट पर उसकी आंख को खोल दे, उसको लगेगा कि हम स्वर्ग में चले आए कि बैकुंठ में चले आए कि इंद्रपुरी चले आए, इतना का अंतर है। मैं 1977 में एमएलए बन के आया, इंडिया गेट के किनारे पैदल टहल रहा था, एक बड़ी गाड़ी में एक बड़ा कुत्ता जा रहा था, वो अपने मुंह को निकाल के जी लपलपाते जा रहा था,
मैं गांव का आदमी खड़ा होकर सोचने लगा कुत्ता जरूर कुछ कह रहा है। मैं एमपी था, कभी दिल्ली देखा नहीं था, मेरे अंदर से आवाज आई कि कुत्ता कह रहा है, क्या है तू गांव का किसान गरीब मजदूर पिछड़ा दलित, तू क्या जन्म लेके करने आया है, तुझसे मैं सौभाग्यशाली हूं, देख मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं, तुमने देखा हिंदुस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूं। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं और मुझे उस जिंदगी से भी बदतर जिंदगी जिलाने वाले कोई नहीं है, आप हैं। राज किया है आपने, मैं आंदोलन किया, जेल में गया, जेल में सराया, आज भी पूर्वा हवा चलती है तो आपके पुलिस की लाठी से जो हड्डी में चोट है वो कहीं ना कहीं दर्द करने लगता है। तब मुझे ऐसा एहसास होता है कि जिस राज में मुझे इतना कष्ट मिला था, अगर मेरा बस चले तो उस राज को सदा सर्वदा के लिए हिंदुस्तान से उखाड़ के गया जी में जाके पिंडदान कर दूं जो फिर निकलने ना पाए। क्या बात करते हैं साहब, आपसे मैं आखिर में नहीं जाऊंगा। आप योजना आयोग की बात कर रहे थे, मैं अपने गुरु डॉक्टर लोहिया की बात को आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा। मैं नहीं बोलता, मुझे तो उन्होंने दृष्टि दी थी। इसी लोकसभा में 6 सितंबर 1963 को एक बहस हुई थी, ख्याल रखिएगा, जिस बहस ने पंडित नेहरू को भी हिला दिया था। वो बहस थी 3 आना बनाम 15 आना का। लोहिया ने कहा था, मैंने 27 करोड़ हिंदुस्तान के लिए 3 आने रोज की आमदनी कही, प्रधानमंत्री ने 15 आने रोज की और योजना मंत्री ने 7.5 आने रोज की, अब प्रधानमंत्री और योजना मंत्री आपस में निपट लेंगे कि दोनों में कौन सही है। यही आंकड़े है योजना आयोग के, प्रधानमंत्री का 15 आना, योजना आयोग के मंत्री का 7.5 आना। जिस योजना आयोग को यह भी नहीं पता 15 आना सही कि 7.5 आना सही, प्रधानमंत्री सही कि योजना मंत्री सही, उसी योजना आयोग को सर पर धोते रहो। जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण वाजत रहिए, दर्पण में लगा काई तो दर्श कहां से पाई। क्या बात करते हैं साहब, इस हिंदुस्तान में अगर किसी का मैं प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, मैं भुक्त भोगी हूं जिस रोग से मैं पीड़ित हूं, कहीं ना कहीं उस रोग से आप भी पीड़ित हैं। वीरप्पा मोइली जी, आप भी पिछड़े वर्ग से हैं, मैं भी पिछड़े वर्ग से हूं। का दुख जाने दुखिया की, का दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बीमाई, सोका जाने पीर पराई। आपके मलकार अर्जुन जी भी उसी दलित समाज से हैं, आपने सामाजिक पीड़ा को झेला नहीं है, भोगा नहीं है। इस हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी चीज अगर रही है सनातन काल से, तो वह हिंदुस्तान की जाति प्रथा। उस जाति प्रथा के कारण क्या क्या नहीं भोगा हमने और क्या नहीं भोगते हैं। अभी अभी चुनाव हो रहा था, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई कह रहा था, मेरे दुकान, मेरे ऑफिस के आगे चाय की दुकान खुलवा देते हैं, फुटपाथ पर जाओ चाय की दुकान के लिए दुकान दे देते हैं, और कुछ कहने के लिए नहीं मिलता है लोगों को, नहीं मिलता है क्या? क्यों उपहास करते हो? मैं लोकसभा में हूं, अगर कोई कहे शरद यादव गए थे चुनाव लड़ने के लिए अमेठी में, लोकदल से नारा लगा था शरद यादव वापस जाओ लाठी लेके भैंस चढ़ाओ, कर्पूरी ठाकुर जैसा नाई का बेटा गरीब जिसके नेतृत्व में ही बिहार में इतना परिवर्तन किया, वो बिहार का मुख्यमंत्री बना, 27% आरक्षण दिया, हाई स्कूल तक फीस माफ किया, मिडिल स्कूल तक फीस माफ किया, 5 एकड़ से मलगुजारी माफ किया, और कर्पूरी ठाकुर के लिए नारा लगा था कर्पूरी ठाकुर दिल्ली जाओ छुड़ा लेके सैलून खोलो। क्या क्या नहीं सहा हूं, क्या क्या नहीं देखा हूं, इसलिए दिल के अंदर वो दर्द और पीड़ा है। क्या फिर कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है, क्या हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने अपराध किया था कि उसमें जन्म लिया? किसी ने भगवान के यहां दरखास्त दिया था कि मुझको तेली बना दो, मुझको लोहार बना दो, मुझको कुर्मी बना दो, मुझको कहार बना दो, मुझको अहिर बना दो, मुझको कलवार बना दो? कोई दरखास्त देके तो नहीं आया?
आज वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दे दूंगा, प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने बजट में कुछ ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे हिंदुस्तान के जाति प्रथा के बंधन को ढीला करने का अवसर मिलेगा। जब उनकी आर्थिक चेतना बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा, तब जब गांव में पैसा जाएगा, तब गरीब के हाथ में रोजगार जाएगा, तब उनकी आर्थिक उन्नति होगी, तब कहीं जाकर उनके जीवन में विकास होगा। आपने सोचा कि गांव का विकास कैसे होगा? क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना कोई मामूली है? खर्च पर पाबंदी लगाते हुए डॉक्टर लोहिया ने इसी लोकसभा में बहस करते हुए पंडित नेहरू से कहा था, मैं कुछ नहीं चाहता, एक काम कर दो, सारे लोगों के, बड़े लोगों के खर्च पर सीमा लगा दो, आय पर, आमदनी पर नहीं, खर्च पर सीमा लगाओ, इससे अधिक खर्च नहीं करेगा, और उससे जो पैसा बने उसके एक सिंचाई योजना बनाओ और 20 साल का बॉन्ड बनाओ। मैं कुछ नहीं कहता, केवल हिंदुस्तान के हर खेत में पानी पहुंचा दो, हिंदुस्तान की तरक्की हो जाएगी। डॉक्टर लोहिया इसी सदन में कहे थे, वो तो अग्रवाल थे, बनिया थे, उनको क्या जरूरी थी इस बात को बोलने का, लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के गरीब, निर्धन, निर्बल और पिछड़ों का इस युग में अगर एकमात्र राजनीतिक मसीहा पैदा कर लिया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने जगाया, नेतृत्व को पैदा किया गांव के गली से। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना से हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, डॉक्टर लोहिया ने कहा, एक बीघा खेत और एक गाय, अपनी खेती अपनी राय, हम तो ये लड़ते आ रहे हैं, आगा जो सपना साकार हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि सवाल है दृष्टि का, दिशा का और संकल्प का। आपकी दृष्टि कुछ और थी, अब दृष्टि बदली है। हिंदुस्तान के गांव के गरीब, पिछड़े, दलितों ने मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से द्वारका धाम तक, इस आसान मान के साथ, आपके आपके शब्दों में, जिनको आप अपने ऑफिस के आगे चाय की दुकान खुलवा रहे थे, वो चाय की बेचने वाला, रेल के फुटपाथ पर पानी पिलाने वाला गरीब निर्धन, जिनकी मां मजदूरनी का काम करती थी, ऐसे के बेटा को भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया कि नरेंद्र मोदी आएगा, भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, गांव गरीब किसान मजदूर के भाग्य चमक जाएगा। उन्होंने इसलिए सपना को देखा है, हो जाएगा क्या ये 9 महीने में हो जाएगा? आप एक नेता बोलते थे, मैं सुन रहा था, मुलायम सिंह यादव ने बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, वर्षों तक समाजवादी आंदोलन में लड़े, कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी आप वैज्ञानिक बात बोल रहे हो, इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो आप, क्या सोचते हो? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि संभलो, अभी भी आप संभालिए, प्लीज प्लीज, अभी भी आप संभालिए। आप बजट को क्या समझते हो? आप हंसी रहिए, मैं वीरप्पा मोइली साहब नहीं हूं, वीरप्पा मोइली साहब आंकड़े बता रहे थे, मैं उन आंकड़ों का जवाब दे रहा हूं। क्या आपने इतने दिन ये आंकड़े अब हमको पढ़ा रहे हैं? आपने इतने आंकड़े पढ़े थे? आपने आंकड़े पढ़े? 1951 में किसान थे 71.9%, 211 आपका राज घट के हो गए 45.10, 26.08% किसान गायब हो गए। कहां गायब हो गए? कहीं नहीं गायब हुए। खेतिहर मजदूर थे 28.1% और वो घट करके हो गए 17.5, वो बढ़ गए 26.08। अध्यक्ष महोदय, जितना किसान घमा उतना खेतिहर मजदूर बनाया, ये आंकड़े नहीं है क्या? ये सच है कि नहीं? तो आप बजट बनाते रहो, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आए, एक विद्वान आए अर्थशास्त्र के, कहां से? वो हर वक्त वाले, हमको कहा जाए तो हर वक्त
हमने कहा आईडीएस को कर देगा हार्बर, तो हार्बर वाला हार्बर करेगा। हिंदुस्तानी अर्थशास्त्री चाहिए अरुण जेटली के जैसे। अरे ये कहां गए बोलिए। अगर ये चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के जितने कृषि अर्थ ग्रामीण अर्थशास्त्री हुए, जैसी कुमारप्पा से लेकर चौधरी चरण सिंह तक, सबने एक ही बात कहा, खेती पर से जो जो भार घटेगा तो गांव की उन्नति होगी, किसान खुशहाल होगा। खेती पर से भार को कम करो, आपने कम किया, लेकिन हमको बनाया क्या? ऑफिसर बनाते, नौकरी देते, उद्योग लगाते, हाथ में काम देते, साइकिल देते, मोटरसाइकिल पर चढ़वाते, तब न समझते हम किसान थे, हमको मजदूर बना दिया, झुग्गी झोपड़ी में डाल दिया, गंदी जिंदगी, कीड़े की जिंदगी जीने के लिए हमको रख दिया। जो गांव में बसने वाले थे वो 82.7 थे और घट के हो गए 68.08, 14% गांव के लोग गायब हो गए। कहां गायब हो गए? गायब होके कहां गए? आपके यहां दिल्ली में, दिल्ली में फुटपाथ पर सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, पेड़ के नीचे जन्मते हैं, बलते हैं, बढ़ते हैं, पेड़ के नीचे शादी करते हैं, हनीमून मनाते हैं, वहीं फिर बच्चा पैदा करते हैं, फिर पेड़ के नीचे ही अपना परिवार बसाते हैं। हमारे बच्चे को लाया, हाथ में रिक्शा थमाया, ठेला थमाया, फुटपाथ पर काम करवाया, गरीबी से मजदूर किया, कुत्ते के जैसे जिंदगी जीने पर हमारे हमको मजबूर कर दिया। और ऊपर से आप बताते हैं कि हम अब तुम्हारे लिए क्या दे दिया? फूड सिक्योरिटी दे दिया, फूड सिक्योरिटी। दाना उपजावे, धान उपजावे हम, गेहूं उपजावे हम, अनाज उपजावे हम, मेहनत करे हम, हमको बस समझते हैं आप भिखमंगा। फूड सिक्योरिटी, हर आदमी पर 1 किलो चावल और 3 किलो गेहूं देंगे। आप बड़े 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 बजट वाले अर्थशास्त्री वाले हैं, महीना में 1 किलो चावल खा के रहो, 1 आदमी 3 किलो गेहूं खा के रहो, ये गरीबी का उपहास है, हमारी निर्धनता और गरीबी का उपहास है। आओ आओ, 1 किलो चावल देते हैं, 1 महीना में खाओ, महीना में 26 रुपया, जिसकी रोज की आमदनी आप कहते हो गरीबी रेखा के नीचे है, और चावल गेहूं बांटेंगे 70% को। क्या आंकड़ा है आपका? यही बजट बनाते थे ना, मैं उसी को कहता हूं यही आपका आंकड़ा, गरीबी चावल गेहूं खाए 70-80%, हमको कहो गरीबी की रेखा के नीचे है 26%। कबीरा बांचे आखिर लेखा, पंडित बांचे पोथिन लेखा, हम तो आंख से जो देखते हैं वो बोल रहे हैं। आपने क्या किया? हम कम किए, कहते हैं किसान 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 विरोधी है। हिंदुस्तान में 90-91 में 185.2 मिलियन हेक्टेयर खेती की जमीन थी, और आपके राज में 2011-12 में 182 मिलियन हेक्टेयर हो गई। ये जमीन कहां गई? हम खा गए, हमारे गांव के लोग खा गए। कौन खा गए? जो खाए हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपने आप हमारी जमीन खा गए। और दूसरे तरफ जो गैर कृषि योग्य भूमि थी 90-91 में 23.22 मिलियन हेक्टेयर, 11-12 में हो गए 26.29 हेक्टेयर। गैर कृषि योग्य भूमि बढ़ी है, कृषि योग्य भूमि का ह्रास हुआ। उल्टे बात कहीं कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ना कुछ मिले तो कुछ कहिए, ना कुछ मिले तो विरोधी में गए तो कुछ ना कुछ तो कहना है ना, नहीं तो दुनिया कैसे देखेगी कि विरोधी का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर विरोधी का काम भी करना है तो आप अपने नेताओं को कहिए कि कुछ दिन हमारे पास आए, 6 महीना ट्रेनिंग दे देंगे कि हम विरोधी थे तो क्या करते थे। अरे नाटक भी करिए तो किसी डायरेक्टर से सीख तो लीजिए, जो गरीबी का डायरेक्टर है उससे सीखे नहीं, गरीबी का नाटक खेल रहे हैं। एक गांव में नाटक में हनुमान जी का पाठ करने वाला नहीं आया, उसने सोचा कि आज तो नाटक नहीं होगा। एक बहुत मोटा तगड़ा दुकानदार था, उनको पकड़ लाया, कहा तू नाटक कर, केवल खड़ा रहना। और जब खड़ा होकर पाठ करने लगा तो रावण ने डांट के कहा कि कहां गए, लाओ तेल घी, लाओ इसके पूछ में आग लगाओ। उसको हुआ कि अब तो जल के मरेंगे, तो कहा हजूर हम तो हनुमान जी नहीं है, हम तो बनिया है, अपनी दुकान चला रहे थे। वैसे ही आप नाटक करिएगा। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है,
आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसको देखिए, दृष्टि दिशा, जब तक आपके पास में दृष्टि नहीं बनेगी, आपकी दिशा नहीं ठीक थी, आपकी दृष्टि नहीं ठीक थी, तो आप संकल्प क्या कर रहे थे? चलता है सब, आप कहे कि हम भी चले, आपका बजट चला, आपकी अर्थनीति चली, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, राजनीतिक विषमता, प्रशासनिक विषमता, क्या मैं पूछता हूं कि आपके किसी बजट से इन विषमताओं को अंत करने के लिए कोई काम किया? नहीं किया। इसलिए हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हिंदुस्तान में जब तक जाति प्रथा है और जब तक इस जाति प्रथा का रोग रहेगा, तब तक हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होगा। भ्रष्टाचार के पीछे भी जाति प्रथा है। कोई माननीय प्रधानमंत्री बैठे हैं, हिंदुस्तान के अंदर किसी को अगर चाहेंगे कुछ कर दे, प्रधानमंत्री रहते हुए क्या है जो कर देंगे? जिस जात का सरकारी नौकर होता है, मैं भी इतने दिन तक 54 वर्ष रह के देखा, मंत्री रह के देखा, जिस जात का सरकारी नौकर, उसके ऊपर कलम उठाइए तो उसके जात का न जाने कहां से सभी सभी जगह से लोग आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। जात पर हमला, अगर किसी बेईमान पर हमला है तो जात पर हमला, किसी भ्रष्टाचारी पर हमला है तो माना जाता है जात पर हमला है। इस जात को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को, कि कुछ योजनाएं ऐसी आई हैं, लेकिन मैं एक प्रार्थना करूंगा। हमको कहते हैं कि आरक्षण की बात, मैं कहता हूं शुरू दिन से सदन सहमत हो और आप भी सहमत हो तो प्रधानमंत्री जी से कहूं कि तुरंत लागू करिए, लेकिन इसमें सहमति का सवाल है, राष्ट्रीय सहमति, सदन की सहमति, आपकी सहमति, सब आरक्षण मेरा खत्म कर दीजिए, लेकिन एक कर दीजिए, सरकारी नौकरी और सरकारी सेवा, इन दोनों के लिए अंतर जातीय विवाह को अनिवार्य करिए। न रहेगी जाति, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, जातियां टूटेगी। अंतर जातीयता के कारण हिंदुस्तान में एक जाति बनेगी, वह जाति बनेगी भारतीय, वह जाति बनेगी मानव जाति। इन जातियों के रेखा को तोड़िए, इसके लिए अगर कर सकते हैं तो आप सहमत है तो बोलिए। आप कहते हैं गरीब और अमीर मिटा देंगे, लेकिन न्यूनतम और अधिकतम की रेखा तय कर दे, ये सरकार करना चाहे नरेंद्र मोदी जी चुटकी में कर देंगे, क्योंकि इनका क्या बिगड़ेगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी अगर न्यूनतम और अधिकतम की रेखा तय करेंगे तो इनका कुछ जाएगा, न परिवार का जाएगा, न बाल बच्चे का जाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन चिल्लाने लगेंगे तो हम 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा, बड़े समाजवाद की बात करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इनको समाजवाद की बात अपने गुरु डॉक्टर लोहिया की पढ़ के सुना दूंगा। अरे हमारे कुछ समाजवादी हैं, अब वो तथाकथित समाजवादी हो गए हैं, समाजवादी तो रहे नहीं लेकिन तथाकथित हैं। आप मुझको कह देंगे कि आप भाजपा में चले गए, मैं भाजपा में क्यों आऊं? आपके ऐसे दल बने, इस दल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरे कोई वहां गिरे, मैं कहां कहां दौड़ा फिरता, मैं चला आया भाजपा में। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हुकुम दो नारायण 3 वर्ष से ज्यादा किसी पार्टी को दुरुस्त नहीं रहने देता था, आज 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में अटल अभी खड़ा हूं। इस पार्टी में जब तक कोई ताकत रही है, अडवाणी जी में, अटल जी में, नरेंद्र मोदी जी में, इन सब लोगों में जब कोई गुण नहीं है, तो मेरे जैसे उदंड आदमी को 20 वर्ष तक अपने पिंजरे में रख लिया है, कोई साधारण योग्यता है? इस बात को समझो। आखिरी में कहूंगा अध्यक्ष महोदय, समाजवाद हर किसी से अन सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी, उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो। गौर करिएगा कौन कौन बराबरी, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी, उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो, तब उसके बाद आएगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता, तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो, तब अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाओ। ये धार्मिक बराबरी की भी बातें भी की गई है, अगर हम धार्मिक बराबरी पर जी समाप्त करेंगे, अगर धार्मिक बराबरी पर मुझे कहा जाए तो मैं कहने लगूं तो कितनी अपनी पीड़ा सुना दूंगा कि धार्मिक बराबरी इस देश में कैसी है। उसके संबंध में मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के केवल आपके सामने मैं सुना देना चाहूंगा।
समन्वय दो तरह का होता है, एक दास का समन्वय, एक स्वामी का समन्वय। मैं नहीं कहता, महान समाजवादी अर्थशास्त्री डॉक्टर लोहिया ने इसी सदन में 26 मार्च 66 को कहा था। गौर से शब्दों को सुनिए, समन्वय दो तरह का होता है, एक दास का समन्वय, एक स्वामी का समन्वय। पिछले 1000 बरस के इतिहास से हिंदुस्तान ने स्वामी का समन्वय नहीं सीखा, वह एक दास का समन्वय रहा है। मैं तो श्री नरेंद्र मोदी से सरकार से कहूंगा कि 1000 साल से भारत दास भाव से सांस्कृतिक समन्वय में रहा है, अगर वो स्वामी भाव का संबंध में भारत आना चाहता है तो क्या अपराध है। इसलिए उन्होंने कहा, इस संबंध में खाली परदेशियों को ही दोष नहीं देता, उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं वे सभी जहर में बिल्कुल घुल जाते हैं। आज भारत के 2 इतिहास के स्कूल हैं, एक डॉक्टर ताराचंद, एक डॉक्टर मजुमदार, एक और है जो दोनों के दोनों इसी समन्वय धारा के हैं, विविधता धारा के हैं। भारत क्या है उसको भूलकर भारत के जो विभिन्न अंग है उनकी तरफ निगाह चली जाती है। क्या बात करते हैं साहब? Yes. तो इससे मेरी विनम्र प्रार्थना है सदन से। Yes. अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सदन से भी, और इस लोकसभा के चैनल को हिंदुस्तान के करोड़ों लोग देख रहे हैं। मैं उन गांव के गरीबों, किसानों, मजदूरों से कहता हूं, गांव गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित और नौजवान, मिलके देश बनाओ, आओ देश बनाएंगे। और नरेंद्र मोदी के प्रधान रहते हुए एक बार नहीं, अगर हिंदुस्तान में आपने जितने दिन रहा, एक बार में तो थोड़ी सी रेखाएं बनाई जाएगी, दूसरे बार में मिट्टी डालेंगे, तीसरे बार में तुमने पिचिंग करेंगे। तो हमको भी आपको इतना समय दिया, तो मैं गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, इन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना नौजवानों से करना चाहता हूं, आओ कदम में कदम मिलाओ, मिलके हिंदुस्तान को बनाओ, सफर समता लाएंगे, आर्थिक समता, सामाजिक समता, राजनीतिक समता। अगर इन्होंने मुझको 12 रुपया महीना पर जीवन बीमा कर दिया तो बड़े लोगों का कर्जा फटने लगा कि 12 रुपया में सबको जीवन बीमा कर रहे हैं। खेत में काम करेंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे तो हम जी में 1 रुपया 1 रुपया, हाँ 12 रुपया साल 1 रुपया महीना, तंबाकू का गुटखा भी खाते हैं तो 3 रुपया में मिलता है, उससे भी सस्ता जीवन बीमा इस सरकार ने दे दिया गरीबों को। करेजा तो इसलिए फट रहा है, करेजा में दर्द इसलिए है, इन्होंने जो और योजनाएं चलाई, गाय के पशुपालन के लिए, गाय के उत्थान के लिए योजना, इत्यादि इत्यादि कई योजना है, क्या गिनाऊं। हरि अनंत हरि कथन अनंत, मुद्रा बैंक बनाए, उसमें छोटी इकाई वाले को कर्जा देंगे, छोटी इकाई, वो छोटी इकाई का जो गांव वाला कर्जा खाएगा उसको किसको देंगे ये। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि 1 मिनट में इस बात को कहकर खत्म करूंगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वे के मुताबिक देश में 5.70 करोड़ उद्यमी हैं, इनमें 11 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, इनसे 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के उद्यमियों को पूंजी में कर्ज का हिस्सा केवल 4% है, जबकि अनुमान के अनुसार बीते 22 वर्षों में बड़े उद्योग में 50 से 60 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, इनसे मात्र 22 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध है। ये छोटे उद्योग, फरही को, लोहार को, कुम्हार को, हजाम को, ये जो छोटे छोटे, ये जाति छूटेगी इससे। जाति आधारित हिंदुस्तान में पेशा है, और पेशा के आधार पर जाति बनाया गया। प्लीज अब इन रोजगार के जरिए उनके हाथ को काम देंगे, उन छोटे उद्यमियों को रोजगार देंगे। इनके कलेजा में दर्द हो रहा है कि नरेंद्र मोदी आया है, मुद्रा बैंक बनाएगा, गांव के गरीबों के हाथ में रोजगार जाएगा, ये गरीब बनेंगे पहलवान, गरीब बनेंगे विद्वान, गरीब बनेंगे बुद्धिमान, गरीब के हाथ में दर्द जम ताकत आएगी, तो आपके आगे शरम के छामी नहीं होंगे, न फूड सिक्योरिटी खाएंगे, न मनरेगा खाएंगे, हम अपने पसीना और पुरुषार्थ से, अपनी कमाई से इस देश को बनाएंगे। हम आपके भिखमंगा बन के जिए हैं, अब हम स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।